औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमसेस यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, लाहौर कैंपस। डेटाबेस सिस्टम्स, लेक्चर 9। रिलेशनल डेटा मॉडल्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशनल डेटा मॉडल्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन टेबल इन अ रिलेशनल मॉडल एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कीज, आइडेंटिफायर्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स इन रिलेशनल डेटाबेसेस। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। फंक्शंस कौन से हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के, कि एक जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसको कब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। उसमें हमने देखा था कि जी उसके अंदर कॉन्करेंसी का फंक्शन होना चाहिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्यूरी डीकम्पोजर, क्यूरी को जो मतलब ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके से डिफरेंट हमने फंक्शंस लास्ट लेक्चर में देखे थे। फिर हमने उसका आर्किटेक्चर भी देखा था, इन डिटेल देखा था कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से क्या मतलब है और एक DBMS किस तरीके से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के लिए यूजर को फैसिलिटेट करता है। और आखिरी चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मेटा डेटा। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, द वैल्यूज ऑफ डेटा इज एक्सप्लेन्ड विद द मेटा डेटा। अल्टरनेटिवली वी कॉल्ड इट डेटा डिक्शनरीज। हर DBMS मेटा डेटा को मेंटेन करता है और मेटा डेटा हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमने इसके डिफरेंट टाइप्स देखी थी और हमने इस पर बहुत ही डिटेल डिस्कशन की थी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल में आपके पास क्या है? ये आपके पास डेटाबेस है। डेटाबेस आपका फिजिकल स्टोरेज पे स्टोर है और ये शेयर्ड है टू एवरीवन। इसके ऊपर आप क्यूरी करते हैं, जिससे वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेट्स उस पर्सन को जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके सामने शो हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास रिलेशनल मॉडल के? अ डिग्री ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस बहुत बात की हमने पिछले लेक्चर्स में, डेटा इंडिपेंडेंस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। डेटा डिफरेंट जगह पर सेव होता है, डेटा डिफरेंट जगह पर सेव होता है, डेटा डिपेंडेंट हो जाता है। यहां पर डेटा और स्ट्रक्चर एक जगह पर सेव होता है और उसके अंदर डेटा की इंडिपेंडेंस, डेटा की सिमेंटिक्स, कंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी प्रॉब्लम्स। रिडंडेंसी प्रॉब्लम हमने फाइल बेस्ड सिस्टम में देखी थी, उसको हमने रिकवर कर लिया। कंसिस्टेंसी, जब आपके पास डेटा रिडंडेंट होता है तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, हमने इसको भी यहां पर ओवरकम कर लिया। और डेटा के जो क्लियर सिमेंटिक्स हैं, करेक्ट सिमेंटिक्स हैं, हमने उसको इंश्योर कर लिया रिलेशनल डेटा मॉडल में। अब रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये डेटाबेसेस जो हैं ये फिजिकल स्टोरेज से, क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया डिफाइन करता है SQL। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एक फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से आप डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं और डेटा उससे रिट्रीव करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करूं तो हम ऐसा व्यू देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट यूजर्स हैं, 1, 2, 3, इनको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो डेटा हमारे पास एक जगह पर शेयर्ड है, हर यूजर जो है अपना एक प्रेजेंटेशन मेथड, अपना SQL की क्यूरी के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस से अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली डेटा को फेच करता है। सो ये रिलेशनल मॉडल है जिसकी वजह से हमें बहुत ही आसानी से डेटा स्टोर भी हो रहा है, रिट्राइव भी हो रहा है, और विद द क्लियर सिमेंटिक, विद करेक्ट सिमेंटिक, विद आउट रिडंडेंसी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कंसिस्टेंट डेटा। सो रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जिस चीज को हमने अचीव किया बेहतरीन तरीके से, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। एक रिलेशन क्या होता है? अच्छा बच्चों, एक होता है रिलेशनशिप, दूसरा होता है रिलेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मींस बिटवीन टू रिलेशंस, बिटवीन टू रिलेशंस आर टेबल, एसोसिएशन बिटवीन टू टेबल्स, एसोसिएशन बिटवीन टू टेबल्स या एसोसिएशन बिटवीन टू रिलेशंस इज कॉल्ड रिलेशनशिप।
एंड टेबल इज ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड रिलेशन। अब एक बात आप बड़े गौर से सुन लें, रिलेशनल डेटा मॉडल्स के अंदर, रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन स्टोर होगा। अब रिलेशन क्या है भाई, ऑल्टरनेटिव नेम जो है टेबल का वो रिलेशन है। हम एक टेबल को रिलेशन कहते हैं, हम टेबल को रिलेशन कहते हैं। अभी आप इतना समझ लें भाई, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है। अब रिलेशन में क्या होता है, ये आपको नजर आ रहा है रिलेशन जो है उसके अंदर जो एक आपका टुपल है, एक जो आपकी पूरी की पूरी रो है, टुपल रो, ये जो है आपकी एंटिटी को शो करती है। पिछले लेक्चर्स में मैंने एंटिटी के बारे में डेफिनेशन बताई थी। एंटिटी क्या होती है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। एंटिटी क्या होती है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, एक इवेंट होता है या एक कॉन्सेप्ट होता है। एंटिटी क्या होती है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट होता है या कॉन्सेप्ट होता है। एक एंटिटी जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग रिलेशनल डेटा मॉडल्स एक रो में स्टोर होती है। एक रो जो है वो एक एंटिटी है, उसकी कॉर्डिनेलिटी है कि नंबर ऑफ टुपल्स, जो कॉर्डिनेलिटी है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टुपल्स, ये हम आगे डिफाइन करेंगे। और एक जो एंटिटी है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम है। ये एट्रीब्यूट वन इसका पहला कॉलम है, एट्रीब्यूट टू इसका दूसरा कॉलम है, एट्रीब्यूट एन जितने उसके कॉलम आप डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या है, कॉलम, डिग्री ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। भाई एक एंटिटी के अंदर जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट द एट्रीब्यूट डोमेन, डोमेन, डोमेन का मतलब ये है कि वैल्यूज कम फ्रॉम सेम डोमेन, ऑल वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी फ्रॉम सेम डोमेन सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज, कि वो वैल्यूज एक ही डोमेन से होगी। हम इसको देखते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है, सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यूज फॉर वन और मोर एट्रीब्यूट। मैं इसको एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। फॉर इंस्टेंस आपके पास ये एक एंटिटी है, इसका एट्रीब्यूट वन है। एट्रीब्यूट वन में हमने, ये टेबल था स्टूडेंट का, हमने लिखा स्टूडेंट आईडी। अब स्टूडेंट आईडी में अलाउएबल वैल्यूज क्या होंगी, स्टूडेंट के आईडीज बस, मतलब इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट के नेम नहीं आ सकते। सो इस कॉलम की डोमेन है कि उसके एट्रीब्यूट को स्टोर करेगा। सो वैल्यूज इन ए एट्रीब्यूट कम फ्रॉम सेम डोमेन, और सेम डोमेन का मतलब ये है कि उसकी जो सिमेंटिक्स मीनिंग होंगे, बिजनेस मीनिंग्स होंगे, वो भी सेम होंगे, उसका मेटा डाटा भी सेम होगा। क्योंकि आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि एक जो आप एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, जिसको आप एक कॉलम कहते हैं, उसका प्रॉपर आप मेटा डाटा देते हैं। जो मेटा डाटा देते हैं, अब वैल्यू उस मेटा डाटा से बाहर की वैल्यू स्टोर, फॉर इंस्टेंस अगर आईडी आपका इंटीजर है तो इसमें करेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये डोमेन का मतलब है, हर एट्रीब्यूट की अपनी डोमेन है। ये एट्रीब्यूट वन है, इसकी अपनी डोमेन है, एट्रीब्यूट टू की अपनी डोमेन होगी, और ये दोनों एट्रीब्यूट की इंटरसेक्शन या यूनियन जो है आपको किसी एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, कि भाई किस टेबल को हम रिलेशन कहेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि रिलेशन और टेबल में क्या फर्क है, तो आपने बताना है कि हर जो रिलेशन है वो टेबल होता है, हर रिलेशन टेबल होता है, लेकिन हर टेबल रिलेशन नहीं होता, हर टेबल रिलेशन नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा टेबल रिलेशन कहलाएगा। भाई वो टेबल रिलेशन कहलाएगा जो इस स्क्रीन पे नजर आने वाली प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। कौन सा टेबल रिलेशन कहलाएगा जो ये एक दो तीन चार पांच छह सात प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। हर वो टेबल रिलेशन कहलाएगा जो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। अब हम वन बाय वन हर प्रॉपर्टी को देखते हैं, डिस्टिंक्ट दैट इज यूनिक रिलेशन नेम, कि एक जो टेबल है, एक जो रिलेशन है, उसका नाम यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस के अंदर अगर आपने एक टेबल स्टूडेंट का डिफाइन कर दिया है, तो दूसरा टेबल आप स्टूडेंट के नाम से डिफाइन नहीं कर सकते, उसका नाम आपको अगले टेबल का कोई और रखना पड़ेगा। और डीबीएमएस में बजाते खुद ये फीचर डिप्लॉयड होता है, अगर आप एक
नाम का टेबल क्रिएट कर देते हैं तो दूसरा उसी नाम का टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई हर टेबल का नाम दूसरे टेबल से डिफरेंट होगा, हर रिलेशन का नाम दूसरे रिलेशन से डिफरेंट होगा। ईच सेल कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक सिंगल वैल्यू। सेल का क्या मतलब है? मतलब ये इंटरसेक्शन है, ये सेल है, ये जहां पर एंटिटी लिखा हुआ है ये एक सेल है। इस सेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू होगी, मतलब अगर ये स्टूडेंट आईडी है तो इसके अंदर सिर्फ एक स्टूडेंट का आईडी स्टोर होगा, दो स्टूडेंट के आईडी एक सेल में स्टोर नहीं होंगे। इसको कह रहे हैं नो रिपीटिंग ग्रुप्स। अगर आपके एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो इसका मतलब है कि जी उस सेल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, कि एक स्टूडेंट के दो या तीन आईडीज हैं वो आपने एक ही कॉलम में डाल दें, वो टेबल तो हो सकता है लेकिन वो रिलेशन नहीं हो सकता। ये पॉइंट अगेन आपको क्लियर हो गया। ईच सेल कंटेन एग्जैक्टली वन एटॉमिक, एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू, नो रिपीटिंग ग्रुप्स। तीसरा पॉइंट, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट नेम, कि एक एट्रीब्यूट का नेम दूसरे एट्रीब्यूट नेम से डिफरेंट होगा। एट्रीब्यूट का मतलब जैसे आपको पिछली स्लाइड में नजर आया कि ये एट्रीब्यूट वन, एट्रीब्यूट टू, एट्रीब्यूट थ्री। ये एट्रीब्यूट वन का नाम अगर एंटिटी रखा हुआ है तो एट्रीब्यूट टू का नाम हम एंटिटी नहीं रख सकेंगे, हर एट्रीब्यूट का नाम दूसरे एट्रीब्यूट से डिफरेंट होगा। ये बात भी क्लियर हो गई। अभी हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी इस चौथे पॉइंट पे, द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट कम फ्रॉम द सेम डोमेन, कि एक जो आपके पास कॉलम है, एक जो एट्रीब्यूट है उसकी मेटा डेटा भी सेम होती है, क्योंकि आपने डिफाइन कर दिया कि वो इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर सारी वैल्यूज इंटर की आएंगी, और दूसरे नंबर पे आपने उसके सेमेंटिक्स मीनिंग में अगर उसके अंदर आईडी का डाटा स्टोर करना है तो अब एंटिटी के आईडी का डाटा ही स्टोर होगा। सो एक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू एक ही डोमेन से आएगी, उसके अंदर ये नहीं होगा कि आपने आईडी का डाटा भी उसमें स्टोर कर लिया है और आपने उसके नेम का डाटा भी स्टोर कर लिया है। सो अगर ऐसा है तो वो आपका टेबल है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज आपको वन बाय वन मैंने समझा दी। पांचवी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट हैज नो सिग्निफिकेंस, कि आप जो एट्रीब्यूट है कॉलम, पहले कॉलम को आखिर में लिख दें या आखिर को पहले में लिख दें, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सीधी सी बात है। ईच ट्यूपल इज डिस्टिंक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो एंटिटी है, एक जो ट्यूपल है, एक जो रिकॉर्ड है, एक जो रो है। अब मैंने चार नाम लिए हैं, रो, रिकॉर्ड, ट्यूपल, एंटिटी। रो, रिकॉर्ड, ट्यूपल, एंटिटी, ये चारों एक ही चीज के ऑल्टरनेटिव नेम है। रिकॉर्ड, ट्यूपल, एंटिटी, रो, ये चारों एक ही चीज के मल्टीपल नेम है। फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मोहम्मद सदीक, रोल नंबर 516, एड्रेस लाहौर, ये एक एंटिटी है, ये एक ट्यूपल है, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रो है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन यूनिक होगी, ये एंटिटी एक दफा ही स्टूडेंट के टेबल में आएगी, दो दफा रिपीट नहीं होगी। इसके लिए हम आगे आइडेंटिफायर बनाते होते हैं जिसको प्राइमरी की। सो इट मींस कि अगर एक टेबल के अंदर एंटिटीज बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो टेबल तो हो सकता है, रिलेशन नहीं है। ठीक है, सो हर एक एंटिटी की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? यूनिक होगी। आखिरी प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ ट्यूपल्स हैज नो सिग्निफिकेंस, कि आपने 100 रिकॉर्ड डाले हुए हैं, 100 वाला रिकॉर्ड पहले नंबर पे डाल दें या पहले वाला 100वें पे डाल दें। ऑर्डर ऑफ ट्यूपल्स, ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑर्डर ऑफ एंटिटीज हैज नो सिग्निफिकेंस। तो ये सात प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज जो टेबल होल्ड करेगा उस टेबल को हम कहेंगे कि भाई ये टेबल रिलेशन है, किसी दूसरे टेबल को हम रिलेशन नहीं कहेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं इसको क्लियर करूं कि हर जो रिलेशन होता है वो टेबल होता है, लेकिन हर टेबल रिलेशन नहीं होता, वो टेबल रिलेशन होता है जो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। कौन सी प्रॉपर्टीज? डिस्टिंक्ट रिलेशन नेम, एटॉमिक सेल वैल्यूज, डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट नेम, values of attribute come from same domain, order of attribute have no significance, each tuple is distinct, order of tuple has no significance। अब बात यह होती है कि हमने कहा कि जी हर relation के अंदर एक जो tuple है वो unique हो, वो उसकी repetition नहीं होनी चाहिए,
तो इसको हम इंश्योर कैसे करेंगे, ये दिखाया हुआ है कि ये आपके पास एक रिलेशन है या मल्टीपल रिलेशंस हैं, तो आप इसके अंदर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है उसके लिए आप कीज आइडेंटिफायर्स या आइडेंटिफिकेशन के लिए कीज यूज करते हैं। अब कीज कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ए ट्यूपल, आपके पास सुपर की है, कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है और फॉरेन की है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉर्मली ये तीन कीज यूज होती है, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की। जो आपकी फॉरेन की है ये आपकी कॉन्स्टेंट है, ये हम आगे कॉन्स्टेंट के टॉपिक में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो सुपर की, सुपर के बाद जो है कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की को डिफाइन कर रहा है थ्रू हम यूनिक की, और जो आपकी प्राइमरी की है उसमें आपके पास सिंगल प्राइमरी की भी हो सकती है, कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी हो सकती है, और आपके पास जो तीसरी है सरोगेट की। सिंगल प्राइमरी की कॉन्स्टेंट ये स्लाइडों पे लिखा हुआ है एफ के कॉन्स्टेंट, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये एफ के कॉन्स्टेंट नहीं है, ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट है। एक करेक्शन थी, इसको मैंने स्लाइडों में एम्बेड कर दिया है कि प्राइमरी की के साथ पी के कॉन्स्टेंट होता है, फॉरेन की के साथ एफ के कॉन्स्टेंट है। सो हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। सुपर की, एन एट्रीब्यूट आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ ट्यूपल विद इन अ रिलेशन। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं जो यूनिकली डिफाइन करें एक ट्यूपल को, एक ट्यूपल को दूसरे से डिफरेंशिएट करें। ये आपके पास सुपर की है। कैंडिडेट की, अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की विद इन अ रिलेशन। अ सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की विद इन अ रिलेशन, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा उसकी यूनिकनेस होगी, कंटेन्स नो यूनिक सबसेट, तो वो आपकी कैंडिडेट की होगी। इन द अदर सेंस हम यूनिक की को हम कैंडिडेट की कहते हैं। अब एक स्पेशल टाइप की जो कैंडिडेट की होती है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं ट्यूपल को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसका क्राइटेरिया क्या है, ये दो क्राइटेरिया लिखे हुए, बड़े इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। शुड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ ट्यूपल, शुड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ ट्यूपल। फॉर एग्जांपल मेरा सीएनआईसी है जो मुझे नादरा ने इश्यू किया हुआ है, अब जब तक मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं मेरा सीएनआईसी नंबर यही रहेगा, मेरा सीएनआईसी नंबर चेंज नहीं होगा। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक स्टूडेंट कार्ड या मैट्रिक नंबर दिया, अब वो आपका थ्रू आउट डिग्री सेम रहेगा। सो जब तक आप स्टूडेंट हैं बी एस सी एस के, बी एस एस सी के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, तब तक आपका जो है ये ट्यूपल सेम रहेगा। तो आप उस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की सिलेक्ट करें जिसके बारे में आप श्योर हो कि इसके अंदर चेंज नहीं होने। क्या चेंज नहीं होनी भाई, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी फॉर ए स्पेसिफिक एंटिटी। मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ए ट्यूपल, और आप ये भी देखते हैं कि जी इससे बेहतर कोई और एट्रीब्यूट नहीं हो सकता जो एक ट्यूपल को दूसरे ट्यूपल से डिफ्रेंशिएट करे। अब आप देखते हैं कि जिस सिक्वल के अंदर आप किस तरीके से यूनिक की, जिसको हमने कैंडिडेट की है, उसको आप किस तरीके सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सुपर की के बारे में हम एक बात क्लियर करते हैं कि ये आप सपोज करते हैं, और इसकी सिक्वल के अंदर कोई सिंटैक्स नहीं है, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहीं पर भी नहीं है सुपर की, इसलिए मैंने सुपर की सिर्फ डेफिनेशन तक रखी है। और मैं आपको सबसे पहले यूनिक की के बारे में बताता हूँ, यूनिक की जो कैंडिडेट की है। यूनिक की इंपॉर्टेंस क्या है कि कोई एक वैल्यू होती है वो होती तो यूनिक है लेकिन उसके अंदर चेंज आ सकती है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी वो वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन एट द स्पेसिफिक टाइम वो आपकी वैल्यू यूनिक रहेगी, उसको हम कैंडिडेट की बनाते हैं। और कैंडिडेट की बनाने के लिए आप किसी भी एट्रीब्यूट के साथ, फॉर इंस्टेंस यहां पर आपके पास आईडी है, इनिट नॉट नल, नॉट नल का मतलब ये है, ये भी आपका एक कॉन्स्टेंट है। आज की लेक्चर में हम कॉन्स्टेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिंपल आपको ये नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट यूसी पर्सन, ये हमने कॉन्स्टेंट डिफाइन किया यूनिक का, ये यूनिक आईडी और लास्ट नेम, कि भाई आईडी और लास्ट नेम इस टेबल के अंदर रिपीट नहीं होंगे। अब ये एक सेट है,
आईडी और लास्ट नेम एक सेट है, ये वाला सेट इस टेबल के अंदर रिपीट नहीं होगा। द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ बिहेवियर इज यूनिक, सो इन दोनों का बिहेवियर थ्रू आउट इस टेबल पर्सन टेबल के अंदर यूनिक रहेगा। सो इस तरीके से हम कैंडिडेट की को डिफाइन करते हैं। सो कैंडिडेट की मतलब आप जिस एट्रीब्यूट को एज ए यूनिक डिक्लेयर करेंगे वो आपका कैंडिडेट की होगा। अब बेनिफिट क्या है, कैंडिडेट की आपका यूज होता है ऑल्टरनेटिव टू प्राइमरी की फॉर फॉरन की। मैंने अभी इतना पॉइंट बताया, आगे मैं जब फॉरन की आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई फॉरन की के सिंटैक्स में प्राइमरी की के अलावा जो की यूज होती है वो आपकी कैंडिडेट की होती है। सो हम आगे चलते हैं कि प्राइमरी की को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आप पहला सबसे पहला ये है एन एफिशिएंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एन एंटिटी, कि भाई एक एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एफिशिएंट वे जो आपको लगे बेस्ड ऑन द बिजनेस सिनेरियो वो आपका जो है प्राइमरी की होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जी वैल्यू ऑफ प्राइमरी की रिमेंस कॉन्स्टेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन एंटिटी। अभी इस पर बात की कि सीएनआईसी है आपका, तो सीएनआईसी थ्रू आउट आपकी लाइफ सेम रहेगा, तो उस टेबल के अंदर आप सीएनआईसी नंबर को एज ए प्राइमरी की डिफाइन करें। सो नेवर चेंजेस, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। इसका सिंटैक्स क्या है, आपने क्रिएट टेबल किया और पर्सन इनिट आईडी को आपने डेटा टाइप इनिट दी, नॉट नल, लास्ट नेम वॉरचार 225 नॉट नल, फर्स्ट नेम वॉरचार 225 एज इनिट। अब आप कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं प्राइमरी की पर्सन, ये आप कॉन्स्ट्रेंट का नाम दे रहे हैं प्राइमरी की पर्सन, ये हम आगे डिफाइन करेंगे कि जी कॉन्स्ट्रेंट क्या होते हैं। अभी आप ये समझ लें कि प्राइमरी की इज अ कॉन्स्ट्रेंट। अब प्राइमरी की है ये आपने दो एट्रीब्यूट पे लगाई है आईडी और लास्ट नेम, तो इस तरीके से आपने इस टेबल के अंदर इसको और इसको प्राइमरी की डिफाइन कर लिया। सो ये आपके पास एक एग्जांपल थी, ये सिंटैक्स जो है आपका सीक्वल सर्वर के अंदर भी चलेगा और आपका एक्सेस के अंदर भी चलेगा। माई एसक्यूएल के अंदर थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, आप ये जितने भी हैं सिंटैक्स को आप अकॉर्डिंग टू टूल जो है थोड़ा सा वेरिएट कर सकते हैं। सो आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दी। अब आपने सबसे पहले सुपर कीज बनानी है, सुपर की के अंदर डिफरेंट सेट आप बनाएंगे, उस सेट के अंदर आपके पास जो है जो कीज आपको लगेंगी कि इनकी वैल्यूज चेंज तो हो सकती है लेकिन इनकी वैल्यू फॉर ए टेबल वो यूनिक रहनी चाहिए, लेकिन चेंज उसमें पॉसिबल है, तो आप उसको कैंडिडेट की बना लें उसी सुपर कीज में से सेलेक्ट करके। और वो कैंडिडेट की जिसके बारे में आप श्योर हो कि जी इसकी ये एक तो इफेक्टिव वे है इस एंटिटी को रिप्रेजेंट करने का और दूसरा इसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होगी, उसको आप प्राइमरी की डिफाइन कर लें। अब आपके लिए किसी भी एक टेबल के अंदर इन रिलेशनल डेटा मॉडल्स प्राइमरी की को डिफाइन करना मस्ट है, मैंडेटरी है कि आप प्राइमरी की के बगैर कोई भी टेबल डिफाइन नहीं कर सकते। एक आपको मैं सेल्फ असाइनमेंट दे रहा हूं, ये मैं आपके लेक्चर के दौरान ही आपसे इसका जवाब पूछूंगा और एवरीवन हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन। पहला है हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी, कि आपने एक एंटिटी की अंदर प्राइमरी की वैल्यू कोई भी डिफाइन की हुई, अब आप उसको चेंज करना है तो आप वो कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए जो मैकेनिज्म है सीक्वल सर्वर के अंदर वो आप मुझे जब लेक्चर सुन लेंगे तो क्लास में आएंगे तो आप उसका मुझे आंसर आउट करेंगे। और दूसरा है कि हाउ टू चेंज द प्राइमरी की फॉर अ टेबल, पहले क्वेश्चन ये है कि वैल्यू आपने कैसे चेंज करनी है, दूसरे नंबर पे आपने अगर पूरे का पूरा जो प्राइमरी की है आपने वो चेंज करनी है आप वो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब बात खत्म हो गई कि आपने प्राइमरी की डिफाइन कर दी, लेकिन यहां पर एक मसला आ गया। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे थे तो आपने एग्जांपल में देखा यहां पर कि जी ये जो प्राइमरी की है ये दो एट्रीब्यूट है लास्ट आईडी और लास्ट नेम। हमने तो कहा था हमें तो ये नहीं पता कि जी आप इन दो एट्रीब्यूट्स को मिला के क्यों प्राइमरी की बना रहे हो, आप एक सेट ऑफ कीज से क्यों प्राइमरी की बना रहे हो, आप एक एट्रीब्यूट से प्राइमरी की क्यों नहीं बनाते। डियर स्टूडेंट्स there are two types of keys, one is a single primary key and other is a composite primary key। जैसा कि मैंने पहले एक स्लाइड पे दिखाया था कि आपके पास three types of primary keys होती हैं, single value primary key, composite value primary key और तीसरी आपकी surrogate primary key होती है। जो आपके पास composite primary key है इसका क्या मतलब है, composite primary key consists of more than one attributes in a certain relation when it is not possible in a
सर्टन रिलेशनशिप व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी. इन दैट केस यू यूज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट फॉर प्राइमरी की. और उस सेट को हम क्या कहते हैं, वो आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की होता है. मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं. लेट कंसिडर अ रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर है जिसके एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी ई आर द एट्रीब्यूट. सो वी आर डिफाइनिंग फर्स्ट इज अ सिंगल प्राइमरी की जिसके अंदर हमने ए को, ये जो एरो की टेल पे है ये आपकी प्राइमरी की है. सेकेंड में प्राइमरी की आपके पास बी एंड सी प्राइमरी की है. ये दो आपके पास प्राइमरी की जिसने डिफाइंड की है, जिसको नीचे उसने लिखा है कि भाई मैंने दो कैंडिडेट की ली है. पहली है दिस मींस दैट एट्रीब्यूट ए यूनिकली डिटरमाइंस द अदर एट्रीब्यूट बी सी डी. दिस मींस दैट एट्रीब्यूट बी सी जॉइंटली डिटरमाइन ऑल द एट्रीब्यूट ए डी ई इन अ रिलेशन. तो आपने ये जो दूसरी प्राइमरी की अगर आपने डिफाइन करनी है तो आपके पास सिंगल वैल्यू अगर है तो आप ए पे डिफाइन करेंगे. लेकिन कंडीशन यही है कि एक एट्रीब्यूट अगर सारी आपकी अदर एट्रीब्यूट्स को, एक एंटिटी को यूनिकली डिफाइन करते हैं तो बेहतर यही है कि आप सिंगल वैल्यू प्राइमरी की यूज करें, क्योंकि कॉम्पोजिट प्राइमरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं. कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपके पास एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे जब की आपकी डिपेंड बन रही होती है तो उसकी आपके लिए रिट्रीवल भी टफ होती है, उसकी इंडेक्सिंग भी आपके लिए डिफिकल्ट होती है. सो पहली कंडीशन यही है कि आप प्राइमरी की एक वैल्यू लें. लेकिन ऐसा पॉसिबल बहुत सारे टेबल्स में नहीं होता. जब आप टेबल्स को डील करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रांजेक्शनल टेबल, तो ट्रांजेक्शनल टेबल के अंदर आपके पास पॉसिबल ही नहीं होता. ट्रांजेक्शनल टेबल क्या होते हैं ये हम आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे. कुछ टेबल्स अभी आप ये समझ लें, कुछ टेबल्स के अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती. आप एक एट्रीब्यूट से प्राइमरी की बनाएं तो आपको ये जो बी सी कैंडिडेट की है आप इसको प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे तो आप बस ये कॉम्पोजिट की कहेगी. तो मैं शॉर्ट करता हूं इस सारी डिस्कशन को, मैं ये बताता हूं आपको जी कॉम्पोजिट प्राइमरी की का क्या मतलब है. जब आपकी प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे कंसिस्ट करेगी तो वो आपकी होगी कॉम्पोजिट प्राइमरी की. ठीक है, एक एट्रीब्यूट पे होगी तो आपकी सिंगल प्राइमरी की या सिंपल प्राइमरी की. अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट पे सेट पे होगी तो कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी. सरोगेट की. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ सरोगेट की? सरोगेट की इज अ लाइक एन आर्टिफिशियल प्राइमरी की विच इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ सरोगेट की इज अ न्यूमेरिक एंड इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज फॉर ईच न्यू रो. मतलब आपको इसकी वैल्यू नहीं इंटर करनी पड़ती, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है. ये इसकी पहली कंडीशन हो गई. सरोगेट की इज एनी कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स दैट कैन डिक्लेयर्ड एज ए प्राइमरी की इंस्टेड ऑफ रियल और नेचुरल की. अच्छा, अब एक बात ये हो रही है कि ये एक आर्टिफिशियल चीज है. आर्टिफिशियल चीज की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा कि भाई आपके पास सीरियल नंबर, अगर आपके पास कोई डेटा है आप उस डेटा को सीरियल नंबर लगा लें तो सीरियल नंबर जो होता है वो आपके पास कोई बिजनेस उसकी कोई लॉजिक नहीं होती, वो नॉन बिजनेस आपके पास मीनिंग्स वाली वैल्यू होती है. नॉन बिजनेस मीनिंग्स में सीरियल नंबर पांच, सीरियल नंबर पांच आ जाए, सीरियल नंबर पांच स्टूडेंट नहीं, उस स्टूडेंट का आईडी वो मीनिंगफुल वैल्यू है. तो सरोगेट की हमारे पास एक आर्टिफिशियल प्राइमरी की होती है जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो टेबल के अंदर पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं बन रही थी कि आप कोई अच्छी की ढूंढ सकें. क्यों, इसकी कंडीशंस हम देखते हैं कि भाई कहां पर आपको सरोगेट की जरूरत पड़ती है. जनरली डीबीएमएस डिजाइनर नीड सरोगेट की व्हेन टू अवॉइड द कॉम्पोजिट प्राइमरी की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है, आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती है इंडेक्सिंग में और रिट्रीवल में, स्टोरेज में. आपके पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की वजह से हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार रहते हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए आप एक सिंगल की यूज कर सकते हैं और वो की आपकी सरोगेट की होगी. और आपको जब बनाई हुई प्राइमरी की ये लगे कि यार ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इस की को कहीं ना कहीं डुप्लीकेट हो जाती है या हमसे ये प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रही, तो आपके पास सॉल्यूशन है वो आपके पास सरोगेट की है. और जो आपके पास डी नॉर्मलाइज डेटाबेसेस हैं, जब आप अभी आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, आप सिर्फ इस पॉइंट को सिर्फ फेच कर लें, जब आप नॉर्मलाइजेशन डी नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा.
जब आपके पास टेबल्स को डीनॉर्मलाइज करते हैं तो आपके पास प्राइमरी की आइडेंटिफिकेशन का मसला हो जाता है, तो उस वक्त आपको शायद सारे एट्रीब्यूट को एज ए कंपोजिट प्राइमरी की लेना पड़ता है, तो तब आप सरोगेट की यूज करते हैं। मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखा देता हूं SQL के अंदर। SQL के MySQL के अंदर MySQL के जितने भी यूजर्स हैं वो इसको ऑटो इंक्रीमेंट के नाम से, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब हमने क्रिएट टेबल पर्सन किया, पर्सन आईडी नॉट नल, पर्सन आईडी को हमने नॉट नल दिया, ऑटो इंक्रीमेंट दिया, साथ ही ऑटो इंक्रीमेंट की हमने कंडीशन लगाई। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट लास्ट नेम वॉरचार नॉट नल, फर्स्ट नेम वॉरचार एज इनिट, और ये प्राइमरी की। अब पर्सन पे हमने प्राइमरी की, अब ये आपकी सरोगेट की भी है और यही आपकी प्राइमरी की भी है। जिस टेबल के अंदर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं तो वो उसी को ही आप प्राइमरी की डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट लगा लेते हैं जिस पे, अब उसके अंदर वैल्यू आपको इंसर्ट नहीं करनी पड़ती, सिस्टम खुद ब खुद उसकी वैल्यू अपडेट करता रहता है। SQL सर्वर के अंदर इसका सिंटैक्स ऐसे है, क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन आईडी आइडेंटिटी, ये सिंटैक्स है आइडेंटिटी का। यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट का कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर आइडेंटिटी का कीवर्ड है, और उसके बाद इसके दो पैरामीटर्स हैं, और प्राइमरी की लास्ट नेम आपके पास वॉरचार 225, फर्स्ट नेम वॉरचार 255, एज इन इट। तो ये आपके पास सिंटैक्स है सरोगेट की का। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं कि भाई क्यों आप सरोगेट की यूज करें जब आपके पास ऑलरेडी जो है वो प्राइमरी की है, तो एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस कॉम्पोजिट की कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कॉम्पोजिट की वजह से हमारे टेबल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती हैं उसको रिड्यूस करती है क्या सरोगेट की। दूसरा एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल रिट्रीवल इन डीनॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस, कि आपके पास सिर्फ एक की होती है, आप उस की से आसानी से डेटा को रिट्राइव करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, आपकी डेटा की जो बहुत ज़्यादा इंजर्शन में जो डिपेंडेंसीज होती हैं वो आपकी रिट्रीवल में भी और इंजर्शन में भी वो आपकी सरोगेट की वजह से रिमूव हो जाती हैं। कैन बी गुड फॉर मैनेजमेंट ऑफ मल्टी वर्जन ऑफ ए डेटा, मल्टी वर्जन क्या होते हैं डेटा के, आपने डेटा की रेपिटेशन, आपने डेटा की चेंजेस, आपने डेटा के अंदर जो भी डेटा, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल से ये समझाऊं कि मल्टी वर्जन क्या होते हैं। एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का पहले एड्रेस था वापडा टाउन, फिर वहाँ से चेंज होकर उसने एड्रेस अपना बैरियर टाउन किया। हम कहते हैं कि जिस सिस्टम सारी की सारी ट्रैक को चेंज करे, मतलब उसी टेबल के अंदर एक और रिकॉर्ड स्टूडेंट का क्रिएट हो जाए लेकिन वो उसके नए एड्रेस के साथ, तो ये चीज़ आपकी सिर्फ सरोगेट की से अचीव होती है। इस सिनेरियो को भी मैं आगे जहां पर आपको डेटा की रिविजन्स मे बी इन 2021 लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जी सरोगेट की जो आपने बनाई है ये आपकी सीरियल नंबर है, ऑटो इंक्रीमेंट है, इसकी बिजनेस वैल्यू कोई नहीं है। बिजनेस मीनिंग्स का मतलब ये है कि आईडी की बिजनेस मीनिंग्स है, नेम के बिजनेस मीनिंग्स है, एड्रेस के बिजनेस मीनिंग है, लेकिन सीरियल नंबर के कोई बिजनेस मीनिंग्स नहीं है। यूजर कैन ऐड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, वही जो आखिरी मैंने एडवांटेज बताया उसमें मैंने ये बताया कि आपने वैल्यू चेंज की, आपने एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया, वही इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि आप के पास सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 5 पे भी वही आईडी है और सीरियल नंबर 25 पे भी वही आईडी है। सो सरोगेट की को आपने हर सिनेरियो में यूज नहीं करना, सरोगेट की के स्पेसिफिक सिनेरियो है, मतलब स्पेसिफिक सिनेरियो का मतलब यह है कि जहां पर आपको यह हो कि डेटा की इनकंसिस्टेंसीज नहीं क्रिएट होनी, रीड ओनली डेटा है, रीड इंटेंसिव डेटा है, वहां पर बेस्ट है सरोगेट की यूज करना। जहां पर राइट इंटेंसिव डेटा है वहां पर सरोगेट की यूज करना अच्छी बात नहीं है, वहां पर आपको इनकंसिस्टेंसीज क्रिएट हो जाती है। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, ऐसी जगह जहां पर रीड इंटेंसिव इन्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस डेटा वेयर हाउसेस के अंदर रीड इंटेंसिव इन्वायरमेंट होता है, वहां पर हम हर टेबल की सरोगेट की डिफाइन करते हैं, लेकिन डेटा बेसिस के अंदर इन जिन टेबल्स के अंदर आपका राइट इंटेंसिव है वहां पर आप जो है इस की को अवॉइड करें। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम SQL कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएशन ऑफ सब स्कीमास यूजिंग व्यू SQL व्यूज और SQL इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।